इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से निकलकर सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव के पुराने सिपाही और साथी रहे श्याम रजक ने अब राजद को बाय बाय बोल दिया है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, श्याम रजक ने अपना इस्तीफा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भेज दिया है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इस्तीफा का पत्र श्याम रजक ने अपने एक्स हैंडल पर भी शेयर किया है। श्याम रजक ने लालू यादव को अपना पत्र भेजा है, उसमें कहा गया है कि वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। श्याम रजक ने अपने पत्र में लालू के लिए एक शेर भी लिखा है, मैं शतरंज का शौकीन नहीं था लेकिन धोखा खा गया, आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। बता दें, लालू राबड़ी के साथ राजनीति शुरू करने वाले श्याम रजक लंबे समय तक राजद के शासनकाल में मंत्री रहे। 2005 में राजद का शासन खत्म होने के बाद 2009 में श्याम रजक ने जेडीयू का दामन थाम लिया। 2010 में वे नीतीश सरकार में मंत्री बनाए गए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले श्याम रजक ने मंत्री पद और जेडीयू की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और आरजेडी में शामिल हो गए थे, लेकिन राजद ने उन्हें गच्चा दे दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें राजद की ओर से टिकट भी नहीं दिया गया था, ना ही किसी दूसरी जगह एडजस्ट किया गया था। अब श्याम रजक फिर से नीतीश कुमार का दामन थामने की तैयारी में है। जेडीयू सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक श्याम रजक 1 सितंबर को जेडीयू में शामिल होंगे। दरअसल 1 सप्ताह पहले श्याम रजक ने मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार के साथ लंबे अरसे तक काम कर चुके श्याम रजक ने फिर से जेडीयू में शामिल होने की इच्छा जताई थी। नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी में शामिल करने की मंजूरी दे दी थी। श्याम रजक आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव पद पर थे, लेकिन पार्टी की मुख्यधारा से अलग कर दिए गए थे। ऐसे में उन्होंने पुराने घर में वापसी का रास्ता चुना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्याम रजक 1 सितंबर को फिर से जेडीयू में शामिल होंगे। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में उनका भव्य मिलन समारोह होगा। इसमें राजद के कुछ और नेता भी जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। वैसे जेडीयू में शामिल होने को लेकर श्याम रजक की ओर से कुछ नहीं कहा जा रहा है। दरअसल श्याम रजक की महत्वाकांक्षा चुनावी राजनीति में जाने की थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गच्चा दे दिया। ना तो उन्हें विधानसभा का टिकट दिया, ना ही 2024 की लोकसभा का टिकट। ऐसे में श्याम रजक ने राजद से बाहर होने का रास्ता चुना और सालों का लालू प्रसाद यादव से दोस्ती जो थी वो तोड़ने का फैसला लिया। अब देखना होगा कितना जल्दी श्याम रजक फैसला लेते हैं और जेडीयू में शामिल होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।